दर्शन में उन्हें स्वामी की उपाधि देने के प्रश्न के साथ साथ जब साधना करते हैं तो दीपक जलने लगते हैं, जब डिम जलते हैं धीरे धीरे अपने अंदर तत्वता ज्ञान होता है। पूरे विश्व में जितने वैज्ञानिक हैं, खगोल शास्त्री हैं, आपका महत्व सबसे ऊपर। I'm very happy to be here celebrating this festival of light. और आज हम बड़ी खुश हैं, लेकिन दिवाली सेलिब्रेट्स करते हैं। पूरे देश में दिवाली का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। दो साल के कोरोना महामारी काल के बाद हर जगह दिवाली की धूम नजर आई। शायद ही कोई भी ऐसा क्षेत्र हो जहां पर पटाखे की गूंज ना सुनाई दी हो। हालांकि इस बार सरकार ने ग्रीन पटाखे की ही अनुमति दी है, ऐसे में पूरे देश में दिवाली की धूम देखी जा रही है। संगम शहर प्रयागराज में दिवाली का अनोखा रंग देखने को मिल रहा है। विदेश से आए सैलानियों की टोली दिवाली के पर्व को खास तरीके से मना रही है। विदेशी टोली प्रयागराज के संगम तट स्थित क्रिया योग आश्रम में आकर अध्यात्म की दिवाली के महत्व को समझा रही है। भारी संख्या में आए विदेशी सैलानियों ने रंगोली बनाई और दीप जलाए। इसी दौरान किसी ने भी पटाखे नहीं जलाए, क्योंकि सभी का मानना है कि पटाखे जलाने से वातावरण प्रदूषित होता है और तमाम तरीकों की बीमारियों का भी आगमन शुरू होता है। क्रिया योग आश्रम के संस्थापक योगी सत्यम का कहना है कि हर साल की तरह इस साल भी हमारे आश्रम में अध्यात्म की दिवाली का आयोजन किया गया है। महंत योगी सत्यम महाराज ने बताया कि देश के कई राज्यों के साथ साथ अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया से विदेशी सैलानी यहां पर आए हुए हैं। वहीं योगी सत्यम महाराज के मुताबिक हर इंसान के अंदर सिर से लेकर पीठ तक सात बिंदु होते हैं। ऐसे में लोगों को अपने अंदर के अध्यात्म और रोशनी को जगाना चाहिए और इस दिवाली भी सभी आए हुए लोगों को अध्यात्म की दिवाली के महत्व को बताया गया है। सत्यम महाराज के मुताबिक अगर देश के 50% लोग अध्यात्म और सादगी के साथ दिवाली का पर्व मनाएंगे तो इसके कई फायदे होंगे। स्वच्छ वातावरण तो मिलेगा ही, साथ साथ इंसान की व्यक्तिगत परेशानियां भी दूर हो सकेंगी। उन्होंने बताया कि अध्यात्म की दिवाली में सबसे पहले ईश्वर की तस्वीर के आगे दीप जलाए जाते हैं, उसके बाद आंख बंद करके मन शांत रखकर ईश्वर का स्मरण किया जाता है, उसके बाद क्रिया योग का अभ्यास शुरू किया जाता है। अब रियल दीपावली मनाने की आवश्यकता है कि हम अपने अंतःकरण में प्रवेश करें, शिर और रीढ़ में जो ज्ञान के दीपक बुझे हैं, रीढ़ के अंदर इसको मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर अनहद विशुद्धि आज्ञा सहस्र। जब साधना करते हैं तो दीपक जलने लगते हैं, जब डिम जलते हैं धीरे धीरे तो अपने अंदर द्वंद्वता ज्ञान होता है कि अच्छे हैं बुरे हैं। जब पूरे प्रकाशित हो जाते हैं तो बुरा कोई नहीं दिखाई पड़ता है। महाराज कहाँ कहाँ से लोग आए हैं आप? यहाँ पर अमेरिका से हैं, कनाडा से हैं, यूरोप से हैं, सिंगापुर से हैं, ब्राजील से हैं, इतने देशों के लोग हैं यहाँ पर। वहीं विदेश से आए सभी सैलानियों और अन्य लोगों ने दीप जलाए, उसके बाद अध्यात्म की दिवाली के महत्व को समझा। ब्राजील से आए सैलानी भवानंद का कहना है कि अमेरिका में क्रिसमस और भारत में दिवाली के पर्व में एक जैसा माहौल रहता है, ऐसे में दिवाली के पर्व में अध्यात्म से जुड़ना यह असली दिवाली है। My seventh time celebrating Diwali here in India and I'm feeling very good. I'm very happy to be here celebrating this festival of light. Which is Kriya Yoga. Kriya Yoga is lighting the lamps within our head and spine. Through the practice of Kriya Yoga, we will feel peace, joy, and happiness. वहीं कनाडा से आई अलीजा का भी यही मानना है कि वह यहां आकर क्रिया योग करती हैं और असल दिवाली के महत्व को भी समझती हैं। हम यूएस से आए हैं, मेरा नाम स्वामी अनुसूया माता है और आज हम बड़ी खुश हैं, लेकिन दिवाली सेलिब्रेट्स करते हैं और सच्ची दिवाली है यहाँ, क्रिसमस या दिवाली। तो सच्ची दिवाली क्या है? जब आपका सिर और ये अनुभव करते हैं अपने आप आपका दीपक जलाएं, जैसे मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर ये सब चीज़, तो ये सच्ची दिवाली है। और क्रिया योग ध्यान में बड़ी ज्ञान मिलते हैं, शांति मिलते हैं। संगम शहर प्रयागराज की यह तस्वीर एक सुखद संदेश प्रेरित कर रही है। खास बात ये है कि विदेश से आई ये टोली हमारे देश की संस्कृति को समझा रही है और उसके महत्व को भी।
प्रयागराज के क्रिया योग आश्रम में 1952 से योग की शिक्षा लेने के लिए सैकड़ों की तादाद में हर साल विदेशी यहां पर आते हैं। पूरे देश में दिवाली पर्व की धूम है, ऐसे में संगम नगरी प्रयागराज में खास तरीके की जो दिवाली का पर्व है वो मनाया जा रहा है। यहाँ पर देश दुनिया से जो लोग आए हैं वो एक साथ दिवाली का पर्व मना रहे हैं। सबसे पहले हम आपको वो तस्वीर दिखाएंगे कि आज के दिन खास क्या है। आप हमारे ठीक पीछे एक ये बोर्ड देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है शुभ दिवाली। और दिवाली में तो हमेशा अमूमन आपको पटाखों की आवाज़ समझ में आती होगी, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग तरीके की स्पिरिचुअल जो चीज़ें हैं उसका जो ज्ञान है वो दिया जा रहा है। चाहे अगर हम बात करें कि देश के लोग की या फिर हम विदेश से जो लोग आए हैं उनकी, आप देख सकते हैं हमारे ठीक सामने यहाँ पर एक फिगर बनाया गया है जिसमें से 7 बिंदुओं जो हैं वो दर्शाए गए हैं। और यहाँ के जो संस्थापक हैं महाराज योगी सत्यम महाराज, उनका कहना ये है कि अंदर की जो दीपक हैं उनको हमेशा जलाने की ज़रूरत है। और आप ठीक बगल में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो विदेशी हैं वो भी यहाँ पर लीन हैं और इनकी जो बातें हैं महाराज की उसको भी वो समझ रहे हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं तस्वीरों में देश के साथ साथ विदेशी लोग जो हैं वो यहाँ पर हैं। और ठीक बगल में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लैम्प जो है वो जलाए गए हैं और दीपक जो हैं वो भी यहाँ पर लोगों ने जलाया है। रंगोली जो है वो भी यहाँ पर बनाई गई है और ये जो रंगोली है ये भी देश के लोग के साथ साथ विदेशी जो लोग हैं उन्होंने बनाई है। तो हम ये कह सकते हैं एक खास तस्वीर जो है वो प्रयागराज से देखी जा रही है, जहाँ पर एक साथ चाहे कोई भी धर्म के लोग हों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी लोग एक ही जगह पर आ करके यहाँ पर खास जो त्यौहार है दिवाली का वो मना रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित उपाध्याय के साथ सैयद आकिब रजा, प्रयागराज।